ये नाली जिसे किसान अपने खेत को सैराब कर रहा है, ये सिर्फ एक नाली नहीं है बल्कि एक अजीम शान आबी इंजन का हिस्सा है जिसके ज़रिए पंजाब के तमाम डैम, बैराज, दरिया, हेडवर्क्स, नहरें, मोघे और खाले आपस में मुंसलिक हैं। जिस तरह किसी इंजन की गरारियाँ, पुलियाँ और बटन घुमाकर उसकी रफ्तार और ताकत में कमी बेशी की जा सकती है, बिल्कुल इसी तरह हज़ारों मुरब्बा किलोमीटर पर फैले इस इंजन की कारकर्दगी को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इस इंजन के कल पुर्जे काम कैसे करते हैं? देखें जी, ये एक इरीगेशन बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना अकल का इस्तेमाल हुआ है। देखें, एक मोहल्ले का पानी जो है ना वो नालियों गलियों का बाहर नहीं निकलता और यहाँ पर लाखों एकड़ ज़मीन है तो वो ग्रेविटी फ्लो पर जो है ना सबको मतलब इरीगेट कर रही है और ये कोई मामूली बात नहीं है कि इतने बड़े इलाके को पानी देना और इस पर किसी किस्म की किसी एनर्जी का कोई इस्तेमाल नहीं है और ना ही किसी किस्म की कोई मशीनरी का इस्तेमाल है, बल्कि हर बंदे को उसके बराबर के हिस्से का पानी दिया जाता है और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है और ये दुनिया में अपनी मिसाल आप है। ये जो हमारा इरीगेशन सिस्टम है पंजाब में इस वक्त मौजूद है। ये यहाँ जो रेगुलेशन सिस्टम है ये नहरों के पानी को कम या ज़्यादा करने के लिए मैनुअली सिस्टम लगा हुआ है, मैकेनिकल इसको कंट्रोल करने के लिए बंदे हैंडल को मारते हैं और गेट को ऊपर या नीचे करके किसी नहर का पानी रेगुलेट करते हैं कि किसी पानी को कम करना है या ज़्यादा करना है, तो इसके लिए वो मैनुअल सिस्टम है जो काम कर रहा है। अंग्रेज़ों की आमद से पहले पंजाब का बड़ा इलाका रकड़ या गैर आबाद ज़मीन पर मुश्तमिल था और काश्तकारी सिर्फ दरियाओं के आसपास हुआ करती थी, जबकि दरियाओं के बीच के इलाके को बार कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने 1886 में बड़े पैमाने पर इन इलाकों को सैराब करने का बीड़ा उठाया और अगले चंद अशरों के अंदर अंदर पंजाब का ज़री रकबा 30 लाख एकड़ से बढ़ाकर 1,40,00,000 एकड़ पर ले गए। जदीद मशीनरी, गूगल मैप्स और बुलडोज़रों के बग़ैर इतना बड़ा इनकलाब कैसे बरपा किया गया? वो ये है कि जी, जब वो लोग आए हैं तो पहले तो उन्होंने ना सर्वे ऑफ इंडिया का महकमा कैम किया और उसके बाद उन्होंने जब नहरें बनाने का प्रोग्राम बनाया तो उन्होंने सदा समुंदर से सारे मुतलका इलाके जहाँ पर उन्होंने प्रपोज करनी थी नहरें उनका लेवल किया और लेवल करने के बाद हर एकड़ का उन्होंने लेवल मालूम किया और उसके बाद उन्होंने इस पे जो डिज़ाइन कंटूर मैप्स बनाए, कंटूरिंग के बाद फाइनली जो उन्होंने नहरों के रूट मुकर्रर किए गए, नहरों के रूट मुकर्रर करने के बाद सोर्सेज तक उनको अप्रोच किया गया। उसके बाद फिर उन्होंने ये काम जब पेपर वर्क मुकम्मल हो गया तो मौके पे काम जो शुरू किया तो वो भी उस वक्त सूरत आ रही थी कि कोई मैकेनिकल मीन्स नहीं थे, उन्होंने जनरली जो है ना मैन पावर से और डोंकी लेबर से ये सारी नहरें खोदी गईं। इवन सर्वे का काम भी जो है ना वो गधों पे लाद कर, जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह उस वक्त थे वो इतने भारी थे कि हम बंदों को उठाने मुश्किल थे, तो वो भी गधों के लाद कर उन्होंने सारे सर्वे किए और इसकी टोपोग्राफी की, सारे मैप बनाए और उसके बाद जो है ना ये मौके पे काम शुरू किया गया। और इसके लिए बड़ी बड़ी लेबर गैंग जो इन्होंने ये अफगानिस्तान से कबायली इलाकों से भी डोंकी लेबर के बंदे लेकर आए थे, डोंकी लेबर जिनको खरकार बोलते थे, खरकार उस वक्त जो औजार थे वो कस्सियाँ बेलचे वगैरह ही थे। सारा उसका लेवल किया गया, कंटूर मैप्स बनाए गए और उसके बाद जो है ना रूट्स मुकर्रर किए गए कि किस जगह से हम नहरें निकालेंगे, तमाम ऊंचे नीचे रकबे को पानी लग सकेगा। मज़े की बात यह है कि बरतानिया में कोई नहरी निज़ाम नहीं है, यानी कि यहाँ पर ही उन्होंने रिसर्च की और यहाँ पर ही उन्होंने सारे नहरों के मतलब जो बनाना था वो फार्मूले बनाए गए, इक्वेशंस बनाई गई, पहले उनको थ्योरेटिकली लिया गया, सिल्ड थ्योरी बनाई गई। इसमें बड़े मशहूर लोग हैं, लेसी बड़ा मशहूर इंजीनियर है, ये हमारी आलमोस्ट चैनल जो लेसी फार्मूले पर ही डिज़ाइन है, उसके अलावा कनेडी भी था, बर्नौली भी था और भी कुछ लोग इन्वॉल्व रहे हैं इसमें, तो बाद अभी तक वही थ्योरी चल रही है जो वो लेसी बना गए हैं। अब
सवाल भी पैदा होता है कि अंग्रेज़ हुकूमत तो एक इस्तेमारी यानी कलोनियल पावर थी, उन्हें क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने पंजाब की आवाम की खातिर इतना बड़ा, इतना मुश्किल और इतना पेचीदा मनसूबा शुरू किया। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमने रुख किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि वो दे वांटेड टू रन देयर एम्पायर ऑन द चीप, तो वो नहीं चाहते थे कि वो अपने रिसोर्सेज जो हैं वो बरतानिया से लाकर यहाँ इस्तेमाल करें, तो मकामी रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते थे अपनी एम्पायर को चलाने के लिए। और चूंकि पंजाब जो था वो आखिरी सूबा था जो ब्रिटिश ने 1849 में अनेक्स किया, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ रियलाइज़ किया कि यहाँ देर वॉज अबंडेंस ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, तो वो इन्हें इस्तेमाल कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो है 9 नहरें जो हैं दे एक्सकवेटेड 9 कैनाल्स हियर, और फिर जो है 9 कॉलोनीज़ जो थी कैनाल कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश की, देन दे डिस्ट्रीब्यूटेड दोज लैंड्स अमंग दी लोकल पेजेंट्री। तो उनका एक मकसद ये भी था कि यहाँ पे जो लैंड रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए पंजाब के लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉयल बनाया जाए। उससे फिर जब एक इरिगेशन रेवोल्यूशन आया और ये 1880s में उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, तो इरिगेशन रेवोल्यूशन के नतीजे में फिर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया, तो फिर जो सेंट्रली कॉन्जेस्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे मसलन सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, तो वहाँ से जो बेस्ट एग्रीकल्चरल ट्राइब्स थे वहाँ से उन्होंने जो है वो लैंड ग्रांटीज को सिलेक्ट किया और उनको यहाँ पे जो है वो उनकी आबादकारी की, जिससे ब्रिटिश को रेवेन्यू भी मिले और जो है लोकल पेजेंट्री है पंजाबी पेजेंट्री वो जो है दे वुड बिकम मोर लॉयल टू द ब्रिटिश। इसके अलावा उनके कुछ सियासी अगराज व मकासद भी थे, मसलन रशिया आफ्टर एनेक्सिंग सेंट्रल एशियन स्टेट्स इट वॉज फास्ट इनक्रोचिंग डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स अफगानिस्तान, और ब्रिटिशर्स की एक ये अप्रीहेंशन भी थी कि जो है अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई करने के बाद चूँकि ग्रेट गेम उस वक्त चल रही थी, तो रशिया जो है वो ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो था उसको शायद डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे अफगानिस्तान से, इसलिए पंजाब चूंकि इट वॉज अ जॉइनिंग प्रोविंस, तो यहाँ पे अमन व अमान कायम रखना, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था ब्रिटिश के लिए। उस वक्त ब्रिटिश आर्मी के लिए जो ख़ास तौर पे घोड़े थे वो ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए जाते थे, तो फिर ब्रिटिश ने रियलाइज़ किया कि वो बहुत एक्सपेंसिव थे, तो यहाँ मकामी तौर पर जो है उनका बंदोबस्त किया जाए, इसलिए फिर जो है उन्होंने जो है हॉर्स ब्रीडिंग ग्रांट्स जो है वो इंट्रोड्यूस की इन कैनाल कॉलोनीज़ में। ये सिर्फ आपाशी या नहरी निज़ाम के फ़रोग का मंसूबा नहीं था बल्कि समाजी इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसके तहत अंग्रेज़ों ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से नए सैराब होने वाले खित्तों में लोग लाकर आबाद किए। इस अजीम तजर्बे के समाजी और माशरती असरात क्या मुरतब हुए, इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हम अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC चलते हैं। जब अंग्रेज़ों ने नहरी निज़ाम को बना दिया और सिर्फ पंजाब में ही बनाया, उन्होंने पंजाब और सिंध में, तो उससे वो जो पानी की कमी थी वो पूरी हो गई और ये खत्ता जो है जो वेस्टर्न पंजाब है ये पूरा का पूरा अग्रेरियन हो गया, क्योंकि इससे पहले ये एनिमल ब्रीडिंग एरिया था, इसमें एग्रीकल्चर नहीं था। बुनियादी तब्दीली ये आई कि वो एनिमल ब्रीडिंग फूड गैदरिंग से एग्रेरियन स्टेज में आ गया, तो अग्रेरियन की सोसाइटी की अपनी लवाजमात होती हैं, उसके अपने फायदे होते हैं। मैं आपको मज़े का किस्सा बताता हूँ कि जो जब हमारे बड़े जो थे वो कल आके यहाँ आबाद हुए साहिवाल में
कोई 1918-1920 के दौरान, तो ये वो ये बताते थे कि जो यहाँ के मुकामी लोग थे जिनको डेरोगेटरी जांगली कहा जाता है, ये लोग जो है इनके जहन में सालन का कोई तसव्वुर नहीं था, सालन के साथ रोटी खाने का कोई तसव्वुर नहीं था। तो मेरा बाप कहता था, ये बड़े हैरानी से मुझसे पूछते थे कि ये जड़ा तू कि बेड़ी जी यानी कश्ती बना के सालन उठाते हो, ये हमें बताओ कि ये कैसे होता है। तो पहली बात यह है कि सोसाइटी का मेटामॉर्फिसिस हो गया नहरी निगाम के थ्रू, एक तो ये बात बहुत वाजे है, और दूसरी ये है कि पंजाब में एक मिडिल पेजेंट की बहुत बड़ी तादाद पैदा हो गई। जो तीसरी कैटेगरी जो मेन थी, उसमें वो ये देखते थे कि जिस बंदे को हम ज़मीन दे रहे हैं, ये नई ज़मीन को आबाद कर सकता है कि नहीं, ये क्राइटेरिया। मतलब बहुत सी सूरतों में जो ज़मीन तकसीम करते थे वो एप्लीकेंट के हाथों को महसूस करते थे बाकायदा, यानी मतलब ऐसे महसूस करते थे कि ये हाथ जो हैं हल चलाने वाले हैं भी हैं कि नहीं। आपको बताया ना, हल चलाने वाले का हाथ तो और तरह का होता है, बाबू का और तरह का होता है। फिर ये उसका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फैमिली में कितने मर्द हैं कितनी औरतें हैं, तो उसके इतबार से अगर सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां तो उनको ज़मीन नहीं देते, अगर लड़के हैं आपके जितने ज़्यादा लड़के हैं उतनी आपको ज़्यादा ज़मीन दे देते। ये भी था मिसाल के तौर पर, उसकी बहुत जो एग्जांपल है पर्सनल एग्जांपल वो मेरी फैमिली की है। मेरे जो ताया थे वो जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेंट थे, तो वो जब उनके सामने डिस्ट्रीब्यूशन अफसर के सामने पेश हुए, तो डिस्ट्रीब्यूशन अफसर ने पूछा कि तुम्हारी औलाद की है अगर कितने बेटे हो, इन्होंने कहा मेरी तो सिर्फ दो बेटियां हैं और मेरी औलाद कोई नहीं है। तो अफसर ने कहा तुम्हें तो मैं ज़मीन नहीं देता, यू हैव ओनली लाइबिलिटी। तो उसने बेचारे ने डेस्परेशन में कहा कि मेरे भाई को दे दो, यानी मेरे बाप को। तो मेरे बाप को पेश किया गया, ये कोई अबाउट 5'7" 5'8" के बहुत ही भारी भरकम जवान थे, मिसाली जवान थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ इसको दे दो, तो उन्होंने मेरे बाप को दे दो, मेरे ताए को। ये गांव दरअसल अंग्रेज़ों ने इनको आबाद किया था जब नहरें चलाई गई, तो ये 1921 के करीब आबाद हुआ, उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे 1921 के करीब जब तमाम पंजाब में ये आबादकारी नहरों के साथ साथ की गई, तो उसमें ये गांव भी आबाद हुआ। और ये जो नहरों के साथ अंग्रेज़ों ने आबादकारी की उनको अमूमी तौर पर चक का नाम दिया गया, चक कहा जाता था। उस चक के हवाले से उसके अंदर जो ज़रूरियात की तमाम चीज़ें उनको गांव वालों को चाहिए होती थी, क्योंकि गांव की आबादी इसलिए कायम की गई थी कि ये इनके मज़ाफात में जितनी ज़मीनें हैं ये लोग उन ज़मीनों में काम करें, और वहां से फसल जो है उसको बोने का सिस्टम शुरू हो, और उसका पानी जो है वो नहर के हिसाब से उनको अलाट किया गया था। तो मुख्तलिफ तबके, एक तो ज़िम्मेदारों का तबका यहाँ पर बुलाया गया, वतन बिठाया गया जिनको ज़मीन अलाट की, एक उन ज़िम्मेदारों के औजार बनाने के लिए यानी उन ज़िम्मेदारों के काम करने के लिए कुछ मुख्तलिफ तबके यहाँ पर, जैसे मोची नाई और तरखान लोहार, ठीक है, चौकीदार होता था एक, तो माशकी होता था पानी की सराव करने वाला सड़कों का, तो वो ये मुख्तलिफ तबके बताए। तो आप चूँकि आर्किटेक्ट खुद ही हैं, तो ये बताइए कि ये नक्शा किस तरह से बनाया गया, इसकी तंजीम और तरतीब क्या थी? ये बिल्कुल स्ट्रेट
मतलब सीधी गलियां, हम देख रहे हैं कि तमाम गलियां सीधी हैं जी। इसका जो मेन बाजार और इसके अलावा बहुत ही कुशादा गलियां, कुशादा गली। मेन बाजार जो है, जो चौक का बाजार है, वो 55 फुट का था। अच्छा, बाकी 44 फुट के बाजार, ठीक है। जो छोटी गलियां, उससे छोटी गलियां हैं, वो 33 फुट की है, ठीक है। तो 55, 44 और 33, इस हिसाब से वो उनको, उन गलियों की चौड़ाई को रखा गया। अच्छा, फिर वो उस वक्त तो ये जो है, अच्छा, ये स्कूल, मस्जिद और बाजार की क्या तरतीब रखी थी? स्कूल, जो मस्जिद है वो गांव के चौक में होती। अच्छा, ठीक है। स्कूल जो है लड़कियों का, इसके इंतहाई दाएं साइड पे था और लड़कों का इंतहाई बाएं साइड। ये सारी कहानी हंसी खुशी आगे बढ़ती रही। फिर आ गया 1947 और अंग्रेज़ अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर यहाँ से रुखसत हो गया और अपने पीछे छोड़ गया सरहदों के तनाज़िया, जिसके तहत सारे दरियाओं का पानी इंडिया को मिल गया और वो जब चाहता इन दरियाओं का पानी रोक कर पाकिस्तान को बंजर बना सकता था। पाकिस्तान ने इस मसले के हल के लिए इंडिया के साथ 1960 की दिहाई में सिंध तास मनसूबे पर दस्तखत किए। इस मनसूबे के तहत पाकिस्तान ने अपने बचे खुचे पानी से कैसे फ़ायदा उठाया, ये हम आपको बताते हैं। अब आफ्टर पार्टीशन, इंडस वाटर ट्रीटी जब हुआ, आफ्टर पार्टीशन ये इशू क्रिएट हो गया पानी का, ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर का। तो इंडस वाटर ट्रीटी में ये फैसला हुआ कि जो इंडस, जो ईस्टर्न रिवर होंगे वो इंडिया को उनका कंट्रोल दे दिया गया और वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान को दे दिए गए। अब सतलुज जो रिवर था, ये ईस्टर्न रिवर है, इसका कंट्रोल इंडिया के पास चला गया। इंडिया ने जो दीपालपुर कैनाल की सप्लाई थी वो फिरोजपुर हेडवर्क से डिसकनेक्ट कर दी। इसी तरह बाकी जो भी फ्लो पाकिस्तान में, सतलुज का, रावी का और ब्यास, ये तीन रिवर थे, इनका फ्लो उन्होंने बंद कर दिया। अब हमारे पास जो सतलुज, रावी पे जो हेडवर्क्स थे वो हमारे पास डेड हो गए। तो इंडस वाटर ट्रीटी में फिर हमने एक लिंक कैनाल सिस्टम डेवलप किया 1960s में पाकिस्तान ने, विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। उसमें हमने 8 जो लिंक कैनाल्स बनाई। उसमें हम, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमने किस तरह वेस्टर्न रिवर का जो पानी है वो ईस्टर्न रिवर में डाइवर्ट किया टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ईस्टर्न रिवर्स। उसमें हमने सिंध का पानी थ्रू लिंक कैनाल लेके आए, कहाँ पे? सतलुज में। पहले दरिया का पानी हमने 5वें दरिया तक पहुँचाया किया। और इस तरह जो हमारा ये एरिया था, जिसमें ऑलमोस्ट आप कह लें कि साउथ पंजाब तकरीबन पूरे का पूरा आ जाता है, उसको हमने बंजर होने से बचाया। इससे इनकार मुमकिन नहीं कि आपाशी के इस मंसूबे से पंजाब में ज़री खुशहाली और माशी तरक्की का एक नया बाब शुरू हुआ। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो रुख होते हैं, वैसे ही जनूबी इलाकों के मकीनों का ख्याल है कि इस मंसूबे से उन्हें नुकसान पहुंचा है। 15 साल पहले से जो top 10 डाइंग रिवर्स का नाम आता है तो उसमें एक इंडस का आता है। तो जब इस सूरत हाल में कि हम 21वीं सदी में हमारी जो नदी है वो समंदर तक नहीं जाएगी, तो ये डाइंग रिवर हो गई। इसकी वजह से नुकसानात, एक सिंध के लाखों कोस्टल एरिया की ज़मीन इरोजन हो गई, वो समंदर खा गया है। दूसरा, इस इलाके में जो एग्रीकल्चर के लोग थे वो पिछली सदी में या माहीगीर बन गए या चरवाहे बन गए, क्योंकि उनकी एग्रीकल्चर लैंड गैराबाद हो गई। तीसरा, इसका जो अंडरग्राउंड पानी था सिंध का, जिसमें नेचुरल फ्लोज थी, पूरे सिंध की मेजॉरिटी सिवाय माउंटेन एरिया के हर जगह पे पानी नेचुरली जाता था, तो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता था और मीठा था, वो सारा ख़राब हुआ है। इसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ इश्यूज आए हैं। चौथा, लेक्स, जो नेचुरल लेक्स थी पूरे पाकिस्तान की, उन लेक्स में जो सिंध के हिस्से में थी वो तकरीबन उसमें इनफ्लो जाना बंद हुआ, तो वो जो लेक्स तबाह हुई, तो उसकी वजह से पूरी एनिमल लाइफ, बर्ड लाइफ, पूरी वाइल्ड लाइफ तबाह हुई। मजमू तौर पे पाकिस्तान की इकनॉमी तो बेहतर होती है, क्योंकि पंजाब की 2,17,00,000 कमांड एरिया है, वो बेहतर हुई, वो भी पाकिस्तान की इकनॉमी है, हम खुश हैं, लेकिन इस बुनियाद पे नहीं कि सिंध की ज़मीन, सिंध का पानी ख़त्म। और यही हुआ है हमारे यहाँ।
अंग्रेज ने पंजाब का नहरी निज़ाम ज़रूर बिछाया, मगर कुछ काम ऐसे थे जो उनके दौर में नहीं बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद हुए। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ों ने कोई डैम नहीं बनाया था। मंगला डैम, तुरबेला डैम और हम जहां मौजूद हैं ये रावल डैम पाकिस्तान बनने के बाद बने। इसके अलावा अंग्रेज़ों के दौर में सारी नहरें कच्ची हुआ करती थी। पाकिस्तान ने पहली बार इन नहरों को पक्का करके उनकी कारकर्दगी में इजाफा कर दिया। ये सारी बातें अपनी जगह पे काबिल तारीफ सही, मगर इस दस्तावेजी फिल्म की तैयारी के दौरान हमने ज़िला कसूर के चंद इलाकों का दौरा किया जिनमें बेबियाँ और खड्डियाँ शामिल हैं। इसके अलावा हम ओकाड़ा और हेड मराला की नहरों पर भी गए और हमें जगह जगह इस निज़ाम में टूट फूट के आसार नज़र आए। मैं एक अरसे के बाद यहाँ पर आया हूँ और मुझे ये टेल कटोरा के हालात देख कर को खुशी नहीं हुई कि काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं। डाटा बोर्ड हैं वो कुछ नहीं लिखे हुए, कोई पता नहीं कौन सी नहर का नाम क्या है। और उसके अलावा ये चिड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसके अंदर जो है ना ग्रोथ है, जो वेजिटेशन है और ये दरख्त उगे हुए हैं जिनमें से ये पीपल वगैरह हैं, और कोई बंदा इसमें इंटरेस्टेड नहीं कि इसको साफ करें। अगर वो हमारे ज़माने की आज से 40 साल पहले की बात होती तो आई एम डेड श्योर कि जी कोई ना कोई 2-4 बंदे सस्पेंड हो जाते कि ये यहाँ पर वीड ग्रोथ क्यों है और क्यों ये ग्रीनरी उगी हुई है और क्यों नहीं इसको जी किसी ने साफ़ किया। ये बड़ी अहम बात है और इसके अलावा दीगर चीज़ें भी बड़ी तवज्जो तलब हैं कि इतना अहम स्ट्रक्चर और इसकी मेंटेनेंस कोई हालत अच्छी नहीं है, इसको अच्छा होना चाहिए था। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई देखेंगे साहब तो इनको तवज्जो देंगे और इसको ठीक करवाएंगे।